हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आईवीपीएस पीओ प्री का एग्जाम जो है 4 दिसंबर को जारी है और इसका थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी अभी मैं जस्ट एग्जाम देकर ही आया हूँ और मैं अभी जस्ट एग्जाम सेंटर के बाहर ही खड़ा था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या क्या पूछा गया है। सेल्फ ड्रिवन एनालिसिस जो है ये होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम लेवल की बात कर लेते हैं। तो लेवल देखिए, काफ़ी मॉडरेट देखने को मिला है, मॉडरेट टू हार्ड भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जो मैथ्स में, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स को स्टार्टिंग से उठाऊं, तो लगभग 2 DI पूछी गई थी, जिसमें एक डबल चार्ट था, एक पाई चार्ट था और एक आपका लाइन ग्राफ प्लस टेबल, 2 DI थी, प्लस 5 आपके 5 से 6 जो है आपकी मिसिंग सीरीज थी, 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी गई थी, उसके बाद आपका शायद मैंने कैलकुलेट पर ध्यान नहीं दिया शायद, उसके बाद आपका अर्थमेटिक पूछा गया था। अर्थमेटिक की मैं बात करूं तो अर्थमेटिक इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव था कि आप सोच नहीं सकते। मतलब उसमें जो वैल्यूज दे रखी थी, बिल्कुल नंबर्स फिगर्स में ना देकर, मतलब कुछ अटपटे नंबर दे रखे थे, बिल्कुल मतलब जैसे 5000 5 करके, 1000 3 करके, इस तरीके से वैल्यू दे रखी थी और पॉइंटों में भी वैल्यू दे रखी थी और क्वेश्चन काफ़ी लेंदी रखे दे रखे थे उसके। ठीक है, तो ये रही मैथ्स की ओवरऑल बात। मैथ्स में जो मेरे अटैम्प्ट थे वो थे 17। चलिए अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का लेवल भी मॉडरेट टू हार्ड देखा गया, क्योंकि 5 नंबर का आपका क्लोज टेस्ट आया था, इसके बाद आपका सेंटेंस जो रीअरेंजमेंट तो नहीं आया था, आपका आया था आरसी आया था। एक मैंने पूरा आरसी नहीं पढ़ा, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी लेंदी थे, मैंने बस एंटोनिम और सिनोनिम्स उसके करे थे। इसके बाद 3 जो क्वेश्चन थे वो वर्ड यूजेस को लेकर आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे। इसके बाद आपके लास्ट में 3 जो क्वेश्चन आए थे वो कॉलम मैच द कॉलम से आए थे। इसके बाद 6 से 7 क्वेश्चन जो आपके थे वो थे वर्ड स्वैप को लेकर, जो वर्ड स्वैप होता ना आपका ए और बी, वो भी मतलब काफ़ी वेरिएशन उसमें दे रखा था, वो भी काफ़ी लेंदी हो रखे थे। ठीक है, इसके बाद आपका ये हो गया। इसके बाद था आपका, एक सेकेंड दोस्तों, तो इंग्लिश में इतना ही आया था शायद, मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली। इसमें आपको देखिए डायरेक्शन देखने को मिलता है, ब्लड रिलेशन भी काफ़ी अच्छे लेवल का देखने को मिला था आपको। उसमें 3 जो पर्सन थे उनका तो जेंडर ही डिफाइन नहीं हो रहा था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक मंथ वाइज फसल आई थी, 3 मंथ थे 2 डेट उसमें थी, प्लस वेरिएबल दे रखा था। एक आई थी, 7 मेंबर थे सर्कल में, इन और आउट, 2 इनसाइड थे, बाकी के आउटसाइड थे। ठीक है, तो वो इजी थी, पर जो मंथ और डेट वाली थी वो थोड़ी मतलब ट्रिकी थी, वो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग थी, टाइम कंज्यूमिंग थोड़ी थी वो। ठीक है, इसके बाद आपके इनक्वालिटी से थे 2 से 3 क्वेश्चन, इसके बाद स्लॉक से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखे गए। ठीक है, इसके बाद मिसलेनियस से शायद 3 क्वेश्चन के समथिंग मिसलेनियस से देखे गए थे। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद 1-2 पजल और थी, एक शायद आपकी ऑर्डर बेस्ड थी, ऑर्डर एंड रैंकिंग को लेकर, और एक थी सिलेक्शन बेस्ड, तो वो मैंने अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस रिव्यू। तो दोस्तों, पेपर काफ़ी टफ आ रहा है, तो आप अगर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है कम होते हैं, तो आप घबराइएगा नहीं, इसका आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और कट ऑफ भी कम जाने की चांसेस हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम डालते रहते हैं। सुबह भी हमने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस डाला था, और किसी भी बैंकिंग से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।